हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ना मेरा नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा आलस आ रहा था। ऊपर से सर धोना था तो मैं जैसे तैसे धोकर आ चुकी हूँ। और अब जल्दी से जो हेल्थी खाना बनाया हुआ है मेरे लिए, आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सारे घर वाले मेरी हेल्थ, मतलब मुझे तो नहीं, शायद मेरे आने वाले बेबी को हेल्थ के लेके परेशान है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं खाने में क्या खाऊँ। मम्मी तो हालांकि काफ़ी टाइम से बोल रही है ये भी खा ले वो भी खा ले, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसमें मेरा भी फॉल्ट नहीं है। बाकी अभी मैं खाना खाती हूँ। खाने में मुझे आज भर भर के हरी सब्जी दी गई थी, साथ में दही बड़े भी थे। नहीं, हेल्थी डाइट तो मैंने खा लिया, ऊपर से दही बड़े भी खा लिए हैं, लेकिन अभी मुझे प्रोटीन पाउडर पीना है। पर दही खाया है तो दूध अभी नहीं खा सकती, वरना वो भी पेट में फट जाएगा। वैसे इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, अपना खाने को डाइजेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद प्रोटीन पाउडर खाती हूँ। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। हालांकि मुझे एक गिलास दूध में पीना चाहिए ये प्रोटीन पाउडर, लेकिन मैं आधे गिलास में ही पी पाती हूँ, क्योंकि बस ऐसा लगता है कि पिया नहीं, उससे पहले लगता है कि इसे निकाल दूँ। पता नहीं मेरे अंदर का वहम है या फिर सच में एसिडिटी से इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन पाउडर को बनाते वक्त ही ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था, पर मजबूरी है, पीना तो पड़ेगा। या आधा गिलास प्रोटीन पाउडर पीने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे दो टाइम पीना है सुबह शाम। लगभग मेरे पास अप्रॉक्स 20 डेज ही है, या उससे भी कम टाइम है, क्योंकि मुझे 2 तारीख को बुलाया गया है और उसके बाद वो प्लान करने वाले हैं कि कब मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो तक जितना हो सकता है उन्होंने बोला है कि मुझे अच्छी से अच्छी हेल्थी से हेल्थी डाइट लेनी है। मुझे अपनी टेंशन तो नहीं है, बस ये कि मेरा जो फिटल वेट है बेबी का वो बढ़ जाए, तो जैसे तैसे करके इसे पीती हूँ पहले। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे लिए अमरूद ले आती है, और उसके थोड़ी देर बाद मेरे लिए पोहे आ जाते हैं। तो बहुत कुछ खाने को मिल रहा है मुझे, और जो कि जबरदस्ती मुझे खाना पड़ रहा है। गए नाना, गए नाना, नाना गए, वो रे नाना, जल्दी जाओ पार्टी में नाना के साथ। कहाँ नाना? ढूंढो 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 ढूंढो, मिल गए। चलो बाय। आज चाची की लड़की का बर्थडे है और शोना पहले ही जा चुका है अपने नानू के साथ, तो मेरा भी इनविटेशन है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। आज खाना पीना हमारा वहीं पर होने वाला है, तो बस हम सब निकलते हैं घर से, मम्मी और मैं ही बच्चे हैं, बाकी सब जा चुके हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं जब पहुँची तो शोना अपने मामा के साथ पार्टी कर रहा था, गोलगप्पे, कचौड़ी, मंगोड़े, बहुत कुछ बना था। और जब केक काटने की बारी आई तो शोना जिद करने लगा कि उसे ही केक काटना है। कैसे करते हैं बताओ? करो हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे कर रहा है, हैप्पी हैप्पी ये भूल गया है। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं केक कटिंग कराकर और खाना खाकर घर आ गई हूँ। शोना अपने माँ मामी के साथ वहीं पर है, और अभी मैं टेंशन फ्री हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करी, जो वो आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ खिलाती पिलाती हूँ, फिर खुद भी रेस्ट करती हूँ और उसे भी सुलाऊंगी। तो शोना घर पे आ चुका है और अभी से सुलाने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, कर दो बाय।